हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवाना सिंधी, स्वागत है आपका क्लासिक तड़का में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्टिकी मटन बोटी फ्राई। ये बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप कुछ नया बनाना चाहते हो तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने आपके साथ अलग अलग रेसिपी मटन की शेयर की है, जैसे कि चिल्ली गोश है, सीख कबाब है, गोला कबाब है। आज मैं आपके साथ ये स्टिकी फ्राई बोटी की रेसिपी शेयर करती हूँ, तो इसे आप ज़रूर बनाइए और अपने गेस्ट को और फैमिली को ज़रूर खिलाइए। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं स्टिकी मटन फ्राई बोटी किस तरीके से बनाएं। तो सबसे पहले हमने मटन का एक बड़ा सा टुकड़ा ले लिया है, देखिए इस तरीके से उसको अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। अब इसके हमें पीसीस करने हैं, जैसे भी आप पीसीस करना चाहो। मैं इस तरीके से लंबी साइज़ में इस तरीके से पीस करूँगी, देखिए इस तरीके से। सेम इस तरीके से सभी हमें पतले पतले पीसीस बनाने हैं ताकि हम स्टिक में उसको आसानी से लगा सकें, उस बात का ध्यान रखना है। अगर आप चाहो तो इस तरीके से टुकड़े आप बाहर शॉप पे जाके कसाई के पास भी आप करा सकते हो, पतले पतले पीसीस, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सभी पीसीस कर लूँगी, देखिए मैं आगे आपको बताती हूँ। मैंने इस तरीके से पतले पतले पीसीस सभी बोटी के कर लिए हैं। ये कम से कम 700 से 800 ग्राम का बड़ी मटन बोटी का बड़ा सा टुकड़ा है, तो उस तरीके से हमको उसको कट कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये कट हो चुका है, अब हमें क्या करना है, पतली पतला हमें इसे कट करना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो अब इसको हम एक बाउल में डाल देंगे। तो एक बाउल हमने ले लिया है, सभी बोटी के पीसीस को हम बाउल में डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम दूसरे मसाले ऐड करेंगे। तो हम इस तरीके से मसाले लगाएंगे, तो सबसे पहले हम इसमें क्या डालेंगे, सबसे पहले हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो एक चम्मच भर के हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। उसके बाद स्वाद के मुताबिक हम इसमें नमक ऐड करेंगे, तो नमक भी हमने डाल दिया है। एक चम्मच भर के हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, तो धनिया पाउडर हमने डाल दिया है। उसके बाद एक चम्मच भर के हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, तो हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। इसमें आधा चम्मच भर के हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, तो हमने गरम मसाला भी डाल दिया है। और एक से डेढ़ चम्मच इसके अंदर हम पेरी पेरी मसाला ऐड करेंगे, ठीक है। ये सब मसाले हमने डाल दिए हैं और ये ज़्यादा तीखा हम बनाते हैं। अगर आप चाहो तो आप अपने हिसाब से मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हो, वो आपके टेस्ट के ऊपर, आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो देखिए अच्छे से हमने मसाले लगा दिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने कच्चा पपीता एक लिया था, उसे हमने कट कर लिया था। तो अच्छे से मसाले मिलाने के बाद कच्चे पपीते को इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसको ढककर हम एक से दो घंटे रख देंगे। आप इसको जितनी देर तक मैरिनेट करना चाहो कर सकते हो, जितना आप ज़्यादा मैरिनेट करोगे वो अच्छा टेस्ट आएगा उससे और ये गल जाएगा फटाफट से। तो मैंने कम से कम 3 से 4 घंटे इसको मैरिनेट करा था। उसके बाद हमने इस तरीके से स्टिक ली है, अगर आपके पास बड़ी स्टिक हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए स्टिक में हम उसको लगा देंगे। मैं क्या करूँगी, दो दो स्टिक इसमें लगाऊँगी, क्योंकि फ्राई करने के टाइम पर क्या होता है कि जो मटन के पीस होते हैं वो सिकुड़ कर छोटे हो जाते हैं, तो स्टिक लगाने से क्या होता है ये अच्छे से कुक होंगे, फ्राई होंगे और हमारी बोटी भी अच्छे से देखिए गल चुकी है, क्योंकि स्टिक आसानी से अंदर चली जा रही है। तो इसका मतलब है मटन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है और मसाले भी लग चुके हैं। तो इस सेम प्रोसेस से मैं सभी बोटी के अंदर स्टिक लगाकर उसको रेडी कर लूँगी। देखिए इस तरीके से दो दो स्टिक लगाएंगे हम, और इस बात का भी ध्यान रखें कि हाथों में आपके लग ना जाए, ठीक है। तो देखिए ये हमारी बोटी रेडी हो चुकी है। तो सेम प्रोसेस से हम सभी बोटी में स्टिक लगा देंगे। अगर आपके पास बड़ी साइज़ की स्टिक हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास इस तरीके से छोटी छोटी थी तो मैंने वो उसका इस्तेमाल किया है, लेकिन इससे जो बड़ी साइज़ की होती है वो भी बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, तो आप चाहो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सेम प्रोसेस से इसको आप अंडे के अंदर डीप करके भी आप इसको फ्राई कर सकते हो ब्रेड क्रम लगाकर, वो भी बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है। लेकिन ये मैं आपके साथ कुछ अलग रेसिपी बता रही हूँ। तो देखिए सभी चीज़ों को हमने सभी बोटी को हमने स्टिक में लगा दिया है, और उसके ऊपर लास्ट में हम क्या करेंगे, ब्रेड क्रम हम थोड़ा सा लेंगे और स्टिक के ऊपर जो हमने बोटी लगाई है उसके ऊपर अलट पलट करते हुए सभी के ऊपर ब्रेड क्रम लगा देंगे। इससे क्या होता है कि ये बड़ी क्रिस्पी बनकर रेडी होती है, ठीक है। तो देखिए सभी हमने बोटी को ब्रेड क्रम लगा कर रेडी कर लिया है। अब हम फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने पैन में तेल ले लिया था और उसको गर्म कर लिया था। तेल ऑलरेडी गर्म है, गैस की फ्लेम को आप स्लो कर दें और एक एक करके जो हमने बोटी स्टिक तैयार की है वो इसमें जितना भी स्पेस हो पैन में उसके हिसाब से आप डाल दें,
ठीक है। तो मैं 4 से 5 इसमें स्टिक ऐड करूँगी और उसको एक साइड से हम 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे और उसके बाद उसको हम पलटेंगे। जब एक बाजू से अच्छे से फ्राई हो जाए, कुक हो जाए, उसके बाद ही पलटें। पलटने के लिए उसको उतावल ना करें। तो देखिए, आप देख सकते हो कि एक बाजू से अच्छे से कुक हो चुकी है, गोल्डन ब्राउन अच्छे से बढ़िया सा कलर आ चुका है। तो दूसरी साइड से भी हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे। तो इस तरीके से हमें सभी बोटी को फ्राई कर लेना है। ये बहुत मज़े की और कुरकुरी और टेस्टी बनकर रेडी होती है, बड़ी ही क्रिस्पी बनकर रेडी होती है। देखिए, तो सेम प्रोसेस से हम सभी स्टिक को तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी गर्मा गर्म स्टिकी बोटी फ्राई बनकर रेडी हो चुकी है। इसको आप प्याज और नींबू डालकर इंजॉय कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और नई नई रेसिपी जानने के लिए मेरी चैनल क्लासिक तड़का के साथ बने रहिए। और अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरी चैनल क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो ऐसे और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो ऐसे और फिर लाइक करो ऐसे।